डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर से मैस स्पेक्ट्रोमीट्री स्टार्ट किया हुआ है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का पार्ट वन हमने पढ़ लिया था, अब डिस्कस करेंगे पार्ट टू। लेकिन उससे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि पार्ट वन में क्या क्या था। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री और मैस स्पेक्ट्रोमीटर को देखा था। फिर हमने हिस्ट्री में एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ और डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर देखा। हमने स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोमीटर में डिफरेंस भी देखा था। इसके बाद हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था कि सैंपल गैसियस स्टेट में होना चाहिए, फिर उस पर बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करके पॉजिटिव आयंस बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास होने के बाद सेपरेट हो जाएंगे और डिटेक्टर पर गिर जाएंगे। फिर हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स को देखा था। फिर इन पार्ट्स की हमने डिटेल स्टार्ट की थी और फाइव पार्ट्स पढ़ लिए थे। पहला वेपोराइजेशन चैम्बर, दूसरा आयोनाइजेशन चैम्बर, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा मैग्नेटिक फील्ड और पांचवा आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर था। नेक्स्ट है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का सिक्स्थ पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जब आयन कलेक्टर पर आयन्स गिरते हैं तो आयन कलेक्टर करंट जनरेट करता है। जितने ज्यादा आयन्स होंगे उतना ही ज्यादा करंट जनरेट होगा, लेकिन कुछ आइसोटॉप्स की परसेंटेज इतनी कम होती है कि वो आइसोटॉप्स का सिग्नल इंतहाई वीक आता है। हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। एम्पलीफायर सिग्नल्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज करके उनको रीडेबल बना देता है। तो एम्पलीफायर का काम सिग्नल की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई कर देना, इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट सेवेंथ पार्ट, जो कि रिकॉर्डर है। ये रिकॉर्ड कर लेता है उस करंट को और हमें एक ग्राफ दे देता है जिस ग्राफ का नाम है मैस स्पेक्ट्रम। हमने सेवन पार्ट्स देखे। सबसे पहला वेपोराइजेशन चैम्बर, फिर आयोनाइजेशन चैम्बर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। ये सारा प्रोसीजर जो आपने आइसोटोप के साथ किया है, यही कार्बन 12 के साथ भी रिपीट करना है, क्योंकि हमने रिलेटिव एटॉमिक मैसेस कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालने। अब जब ये सारा प्रोसेस होके रिकॉर्डर जो है वो हमें ग्राफ देगा, उसको क्या कहेंगे, मैस स्पेक्ट्रम। ये जो मैस स्पेक्ट्रम है ये कैसा दिखता है मैस स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जाम्पल ये नियोन का मैस स्पेक्ट्रम है। नियोन के तीन आइसोटॉप्स हैं, इनको सेपरेट करने की बेस पे ही जो आस्टन था उसको नोबेल प्राइज मिला। इसमें देखें एक्स एक्सिस पे मैस टू चार्ज वैल्यू है। मैं इस मैस टू चार्ज वैल्यू को मैस भी कह सकता हूं क्योंकि चार्ज प्लस वन होता है, और इस साइड पे रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज है। जितनी पीक की हाइट ज्यादा होगी उसकी परसेंटेज उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे देखिए नियोन है, नियोन 20 की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है नियोन के तीनों आइसोटॉप्स में से सबसे ज्यादा करंट नियोन 20 जनरेट करता है। क्यों, क्योंकि इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर जनरेट करता है करंट नियोन 22,
क्योंकि नियोन 22 की परसेंटेज दूसरे नंबर पर है 8.82, और सबसे कम करंट प्रोड्यूस करेगा 21 वाला जिसकी परसेंटेज 0.26 है। देखिए कितना वीक सिग्नल है। इन सिग्नल्स की इंटेंसिटी को इंप्रूव करने के लिए हम सारी पीक्स की इंटेंसिटी को इक्वली इंक्रीज कर देते हैं 10% 20%। रिजल्ट क्या निकलता है, परसेंटेज भी चेंज नहीं होती और जो छोटे वाली पीक्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और उनको रीड आउट करना, स्टडी करना इजी हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लेंगे मैस स्पेक्ट्रम से। देखें जरा मैस स्पेक्ट्रम में टोटल कितनी पीक्स हैं। जितनी मैस स्पेक्ट्रम में पीक्स होंगे उतने ही आइसोटॉप्स होंगे। जैसे इसमें कितनी पीक्स हैं, 1, 2 और 3। जितनी पीक्स उतने ही आइसोटॉप्स। नियोन के 3 आइसोटॉप हैं तो 3 पीक्स आएंगे। जैसे अगर कोई पूछ ले क्लोरीन के एलिमेंट के मैस स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स आती हैं, क्यों, आप कहेंगे उसके 2 आइसोटॉप्स हैं। फ्लोरीन में 1 क्यों आती है, क्योंकि मोनो आइसोटॉपिक है। निकल में 5 क्यों आती है, क्योंकि उसके 5 आइसोटॉप हैं। तो जितने आइसोटॉप्स उतनी ही पीक्स। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कि जितनी पीक की हाइट ज्यादा होगी उतनी ही उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी ज्यादा होगी। तीसरी इंफॉर्मेशन है कि ये जो पोजीशन है पीक की, ये पोजीशन ऑफ द पीक, ये शो करती है मैस को। तो 3 इंफॉर्मेशन हो गई है हमारे पास। पहली, नंबर ऑफ पीक्स, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। नंबर 2, हाइट ऑफ द पीक, That will be equal to relative abundance. Number 3, position of the peak, that will be the atomic mass. Dear students, next है mathematical expression. Mathematical expression है कि mass to charge value equal होती है h square r over 2e के। Mass to charge value h magnetic field है। देखें ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट है, रेडियस के भी डायरेक्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्स है। इसका मतलब जितना मैस ज्यादा होगा उतना रेडियस ज्यादा होगा, और जितना रेडियस ज्यादा होगा याद रखिएगा उतनी ही डिफ्लेक्शन कम होगी। मैस ज्यादा तो रेडियस, क्योंकि मैस और रेडियस का रिलेशन डायरेक्ट है, मैस ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो डिफ्लेक्शन कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 3 आइसोटोप हैं, 20, 21 और 22। जो सबसे लाइटर होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि जब एक्सेलरेशन होनी है जितने लाइटर पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो नियोन 20 पहले पहुंचेगा और इसकी डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। क्यों डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मैस कम है, मैस कम तो रेडियस कम, रेडियस कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो देखें नियोन 20 की डिफ्लेक्शन है सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसका मैस कम तो रेडियस कम, रेडियस कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। और अगर मैस ज्यादा कर दें तो रेडियस ज्यादा होगा, और रेडियस ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन थोड़ी। देखें नियोन 22 थोड़ा डिफ्लेक्ट किया है, उसके बाद 21 और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट किया है नियोन 20। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, जो हल्की चीजें होती हैं वो दूर फेंकी जा सकती हैं और हैवी पार्टिकल को दूर फेंकना मुश्किल होता है। सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो लाइटर आइसोटोप है वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा, उसकी डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। नंबर 2, जितनी मैस टू चार्ज वैल्यू, ये मैस टू चार्ज वैल्यू है, जितनी ये ज्यादा होगी उतना ही रेडियस ज्यादा होगा, और जितना रेडियस ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतनी ही कम हो जाएगी। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का और रेडियस का रिलेशन इनवर्स है, जितना एच ज्यादा होगा आर उतना ही कम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका रिलेशन इनवर्स होता है, और अगर 2 फैक्टर डिवाइड हो रहे हों, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस है, तो डायरेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा है, और रेडियस ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन उतनी ही कम हो जाएगी। ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है
फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कौन सा आइसोटोप ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, कौन सा कम डिफ्लेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, जो चीज जितनी ज्यादा हल्की होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, उतनी ज्यादा दूर जाके गिरेगी, और जो जितनी हल्की होगी उतनी पहले पहुंच जाएगी। जितना कोई पार्टिकल हल्का होगा वो उतना ही जल्दी जाके गिरेगा, कहां पर? आयन कलेक्टर पर। लेकिन करंट कौन ज्यादा जनरेट करेगा? करंट वो ज्यादा जनरेट करेगा जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी। ये है डियर स्टूडेंट्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डिटेल्स, उसके 7 पार्ट्स, वेपोराइजेशन चैम्बर 1, आयोनाइजेशन चैम्बर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड 3, मैग्नेटिक फील्ड 4, और आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर 5, एम्पलीफायर 6 और रिकॉर्डर 7। अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अलावा और भी कई मेथड हैं जिनसे मैस निकल सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है पास पेपर में कि 6 और मेथड बताएं जिनसे मैस निकल सकता है। तो उनमें पहला है डिस्टिलेशन, दूसरा है गैसियस डिफ्यूजन, तीसरा है थर्मल डिफ्यूजन, चौथे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और पांचवें पे है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, और छठा मेथड है लेजर सेपरेशन। ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अलावा 6 और पार्ट्स हैं जिनसे मैस निकल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं। नंबर पे 1 पे एमसीक्यूज, हाइट ऑफ द पीक इन द मैस स्पेक्ट्रम शो। अभी हमने देखा कि पीक की जो हाइट है वो क्या शो करती है, यानी हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं मैस स्पेक्ट्रम से। ये लाहौर 2008 और मुल्तान 2013 में आया हुआ है। वीडियो को पॉज करें और सोचें, एक दो सेकंड लें कि जो हाइट है वो क्या शो कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर बनेगा रिलेटिव अबंडेंस। जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी परसेंटेज ज्यादा होगी, उतना करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर बन गया सी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है कि नेम 6 मेथड्स यूज्ड टू डिटरमिन एटॉमिक मैसेस। अभी हमने देखा कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अलावा कौन से मेथड हैं। ये सरगोधा 2018 में आया हुआ है। डिफाइन मैस स्पेक्ट्रम, ये लाहौर 2013 और भावलपुर 2018 में। मैस स्पेक्ट्रम क्या होता है? ग्राफ है बिटवीन रिलेटिव अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस एंड मैस टू चार्ज वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? नंबर ऑफ पीक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, पोजिशन ऑफ द पीक दैट विल बी द मैस, एंड हाइट ऑफ द पीक विल बी रिलेटिव अबंडेंस। और फिर है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मैस स्पेक्ट्रम फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन में दो पीक्स क्यों आती हैं? क्योंकि इसके आइसोटोप दो हैं। व्हाइल फॉर आयोडीन ओनली 1 पीक, क्यों एक पीक आती? क्योंकि इसका आइसोटोप एक है। ये लाहौर 2009 और सरगोधा 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।